अरे भैया ये यहाँ कहाँ पहुँच गए, इसको क्या हुआ? आप चलो 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 यार, इतना बड़ा सांभर डियर भाई। तो सर आपकी रात भर नाइट ड्यूटी है, तो मेन चीज क्या रहता है आपका, मतलब जो अभी भैया बता रहे कि 10 कितने बजे, 10 बजे बोल रहा था। हाँ, टाइगर टाइगर बोल। अच्छा तो जी ये मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पे भैया बता रहे कि टाइगर बोल रहा था। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो जैसे कि हमने आपको प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया कि ढेला पे टाइगर ने अटैक किया था, वहाँ ग्राउंड जीरो में हम पहुँचे थे जहाँ पे कला देवी जी को बाघ ने अपना शिकार बनाया था। आज सुबह की बात है, और अब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं और आपको लेके चल रहे हैं। अपने साथ है छोटा भाई दीपांशु, और आपको लेके चलते हैं एक लोकेशन में और साथ में नाइट ड्राइव को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। और जी ये है मेन ढेला रोड जो कि झेरना जोन और ढेला जोन को कनेक्ट करती है, और उसी के पास अभी हम जहाँ गए थे वो था ढेला विलेज, रिवर के इस साइड, और रिवर के दूसरी साइड पे रेस्क्यू सेंटर भी है, ढेला रेस्क्यू सेंटर। तो उसका थोड़ा सा यहाँ से पार्ट दिखता भी नहीं आगे से, काफ़ी अंदर है वो एक्चुअली। बाहुल्य क्षेत्र, और गाड़ी भी वैसे यहाँ कम ही चलती है, बस गांव वाले ही चलते हैं, और जो होटल वाले हैं उनकी भी टाइम लिमिट सीमित कर रखी है कि वो भी ऐसे रात को नहीं घूम सकते। तो जी ये रेस्क्यू सेंटर का भी रास्ता है, और वहाँ पे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, तो ये अभी यहाँ से अंदर रेस्क्यू सेंटर की तरफ जाएगी, और जो उस साइड से रिवर क्रॉस करेगी, रिवर क्रॉस करके जहाँ पे टाइगर आएगा, जहाँ पे केज लगा है, वहाँ पे कोशिश होगी कि टाइगर को लेके रेस्क्यू सेंटर में लाया जाए। तो गाड़ी एकदम रेडी है। तो जी एक बार इस रोड में भी टाइगर की बहुत अच्छी मूवमेंट थी, और अब तो पूरा फेंसिंग का बारे लेफ्ट साइड है। हालांकि मतलब लेपर्ड अक्सर आ जाता है इस साइड, क्योंकि ये पूरा जंगल से सटा हुआ एरिया है। तो जी अभी हम पहुंचे हैं रानी जोन। तो जी अभी तो वापस जाना पड़ रहा है मुझे हल्द्वानी, और
दीपांशु को भी मैंने अभी डिकुली में ड्रॉप किया है। बाकी यहाँ से आगे चलते हुए देखते हुए चलते हैं। ढेला वाला इंसिडेंट काफी दुखद है यार, मतलब कि और ऐसे आए दिन मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो कारण जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एक तो टाइगर की पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई है, साथ में गांव का दायरा भी बढ़ने लग गया है, गांव भी जंगल तक पहुंच चुके हैं और जंगल भी कहीं ना कहीं से देख रहे हैं आप, हर जगह से आबादी है, इंसानों की आबादी में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो आए दिन कोई ना कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे हाथी भी आबादी क्षेत्र में आ जा रहे हैं, ऐसे हरिद्वार और ऋषिकेश की भी काफी ज्यादा वीडियो अभी वायरल हुई थी, जो कि कॉलोनी के आसपास हाथी देखे जा रहे थे। और जो कॉरिडोर है उनका भी बाधा पैदा हो रही है उस कॉरिडोर में, और गाड़ी की मूवमेंट तो है ही। और जी जैसे वहाँ पे वॉलंटियर से हमारी बात हुई थी ढेला गांव के समीप, तो वहाँ से जो सांवलदे हैं जहाँ पे इससे पहले टाइगर ने अटैक किया था, वो डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 3-4 किलोमीटर की है। और जो टाइगर का दायरा है कॉर्बेट के अंदर 5-6 किलोमीटर का है एवरेज, तो ये सेम टाइगर भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, प्रीवियस जो ब्लॉग था, एक बड़ा सा केज वहाँ पे रेडी कर दिया गया था, और जो उनका पार्थिव शरीर था कला देवी जी का, वो भी वहीं पे था। तो हालांकि क्या रहा ये तो अभी हम नहीं बता सकते कि केज में रखा गया या नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीम फॉरेस्ट की और पुलिस प्रशासन ऑलरेडी उपस्थित था, और गांव वालों का भी आक्रोश था बहुत ज़्यादा, ढेला विलेज साथ में सांवलदे विलेज, और जो मांग थी ज़बरदस्त थी टाइगर को आज ही पकड़ने की। और उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि जो वाहन होता है जिसमें कि केज रखा जाता है, वो भी ऑलरेडी रेडी होके उस लोकेशन के लिए प्रस्थान कर दिया गया था, और जो कोशिश जो कवादित है वो इसको पकड़ने की रहेगी। और वहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, ट्रैंक्विलाइज एक्सपर्ट हैं, उनकी तैनाती है, साथ में बड़े अफसर भी पहुँच चुके थे,
फॉरेस्ट विभाग अपनी ओर से जो कोशिश हो पाती है वो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो गया है कि लोगों को भी थोड़ा अब सावधानी बरतनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो अक्सर डिपार्टमेंट भी कहता है कि कॉन्फ्लिक्टेड क्षेत्र में लकड़ी या बाकी अन्य कारण से ना जाएं, क्योंकि उनके लिए भी सबसे पहले इंसानों की जान बचानी काफ़ी कवायद से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ये आम डंडा गेट आगे है जहाँ से बिजरानी जोन की सफारी स्टार्ट होती है। तो जी अब हम रामनगर से चल रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। साहब यहाँ पे क्या आ रहा है, वाइल्ड लाइफ के लिए सांबर डियर। अरे भैया ये यहाँ कहाँ पहुँच गए, इसको क्या हुआ? आप चलो 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 यार, इतना बड़ा सांबर डियर भाई। ये रोज इस टाइम निकला है। ये रोज आ रहा है इस साइड। एकदम शहर के पास। ओहो ये अंदर से लेकिन जंगल की तरफ जाएगा ना ये कहाँ अंदर? तो यार इसके अंदर चले गया वो सांबर डियर। अरे अंकल ये आपने कहाँ से भगाया, कहाँ तक आ गया था? ये इधर पर आ जाता है ना, घुसता ना कुत्तों तक काट रहे हैं। ये बाजार से? हाँ। अच्छा तो कोई ठोर मार दे गाड़ी वाला। तो लेकिन अभी भी कॉलेज के अंदर ही है? हाँ कोई बात नहीं, शांतु में है ना। तो रोज आ रहा है इधर? हाँ रोज आता है यहीं का। अच्छा ना, हाँ कुत्ते का डर है उसे। तो यार वो सांबर डियर के लिए भी ना मतलब सबसे बड़ा थ्रेट यही है जो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे भी अपने आप को बचाना। डिग्री कॉलेज के गेट के अंदर वो घुसा हुआ है जहाँ पे दीवार टूटी थी उससे अंदर, और मेल सांबर डियर था वो, और काफी बड़े साइज का था यार, मतलब आपने देखा ही होगा वीडियो में। अब ये डॉग वगैरह भी यहाँ पे काफी ज्यादा रहते हैं तो वो भी कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाए। अभी तो अंदर चले गया है, होपफुली सेफ रहे बेचारा। और दूसरा खतरा यह है गाड़ियों से भी रहता है। और जी ये है कोसी बैराज। और जी एक दिन पहले हमें नाइट ड्राइव में एक वाइल्ड एनिमल मिला था जो कि काफी रेयर था, जो कि था हिमालयन सेरो, जिसको थार भी बोला जाता है। तो काफ़ी रेयर फाइंडिंग थी, हालांकि मैंने उसमें पूछा भी था काफ़ी लोगों से, आप लोगों को पता है तो बताओ, कई लोगों ने सही सही अंदाज़ा लगा लिया था उसमें, मैंने भी बता दिया था हिमालयन सेरो है। अब बाद में ये कंफर्म भी हो गया कि वो वही था जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा ये एनिमल वायरल हुआ था जब इसको स्पीति लेह लद्दाख के पास देखा गया था, क्योंकि उतनी हाइट में कभी पहले देखा नहीं गया था। ये हालांकि हिमालयन क्षेत्र में मिलता है लेकिन यह है कि 2000 से 3000 मीटर के इलाकों में रहता है। और काफ़ी रेयर भी है, हालांकि जीव वैज्ञानिक के अनुसार
जो इसका शरीर है ये कुछ ऐसा है कि जो बकरी, सुअर, गधा और गाय इन सबसे जो मिक्स हो के क्रॉस हो के जो एनिमल की प्रजाति होगी वैसा कुछ है ये हिमालयन सिरो, जिसका सर मोटा होता है और गर्दन भी सही सही होती है और काफ़ी हद तक दिखने में गधे जैसा भी लगता है और जो उसका शारीरिक ढांचा है पहाड़ों में चलने का वो है वो बकरी जैसी भी है, तो इसलिए इसको ऐसा क्रॉस बताया गया है। अब बाकी देखिए जो ये ढेलाप्यास टाइगर अटैक हुआ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि जो इससे पहले पटरानी में एक टाइगर ने अटैक किया था, उसके बाद सांवलदे में महिला का अटैक किया था, उसके बाद ये आज घटना हुई है, तो तीनों में महिलाओं पे ही अटैक किया। हालांकि तीनों अटैक जंगल के अंदर ही हुए, तो वही है कि अब लोगों को भी थोड़ा सावधानी, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और विनती है कि यार मतलब कुछ टाइम तक जब तक ये पकड़ा ना जाए, क्योंकि इसको पकड़ने की मुहिम काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा चल रही है और वैसे तो आज रात को पूरी कोशिश करेगी फॉरेस्ट की टीम जहाँ तक है मतलब कि पकड़ा जा सकता है और उसका मैं आपको अपडेट दूंगा जो भी होगा। और बाकी जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग जंगल में ऐसे उतरे ट्रक से, भैंस की आंख तो देखिए बिल्कुल भी सावधानी नहीं है और लगातार दो तीन ट्रैक्टर, हालांकि हाथी बाहुल्य क्षेत्र भी है और गन्ना तो उसका फेवरेट फूड ही हाथी का, तो जी ये है छोए का पुल। तो जी अभी हम यहाँ पे थे, ओए काटते तो नहीं है? तो सर आपकी रात भर नाइट ड्यूटी है, तो मेन चीज क्या रहता है आपका, मतलब जो हाँ। तो यहाँ पे मेन क्या हुआ, टाइगर और हाथी? ये छोड़े हुए पशु है क्या सब? अरे चलने का छोड़ दिया है। हाँ तो आपके लिए मतलब चैलेंजिंग हुई रात भर है, गाड़ी को भी देखना वहाँ, लकड़ी कोई ऐसे पोचर, पोचिंग का तो अब कम ही होगा वैसे, पकड़ में आते हैं कुछ? हाँ थोड़ा रिस्की तो हुआ है, क्यों? रिस्की अब फेयर सीजन शुरू हो गया। हाँ अब इसमें आग लगाने का रहता है ज़्यादा। अच्छा तो आग आप ही लोग लगाएंगे मतलब? हम तो हाँ ये ऐसे किनार किनारे जला देते हैं फिर, जैसे कोई बीड़ी माचिस फेंकता है ना ऐसे। हाँ जले ना करके पूरा। हाँ, वैसे ना जले आगे को सब जलाते हैं, और झाड़ी वाड़ी भी ना हो रोड साइड पे, जानवर छुपता है फिर एकदम ना। हाँ अभी भैया बता रहे कि 10 कितने बजे, 10 बजे बोल रहा था टाइगर। टाइगर बोल रहा। अच्छा तो जी ये मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पे भैया बता रहे कि टाइगर बोल रहा था।
और ये जस्ट तिराया है, ये रास्ता जाता है बाजपुर को और ये जाता है हल्द्वानी की तरफ। ठीक है सर, धन्यवाद, आपके काम को भी सैल्यूट है। ठीक है, तो जी देखिए मतलब रात के टाइम में भी हम लोगों के लिए और जानवर के लिए मतलब गहन ड्यूटी करते हैं। और ये चेक पोस्ट है और इससे थोड़ा आगे ही वो बता रहे हैं कि टाइगर जहाँ पे बोल रहा था। ये जितना एरिया आपको दिख रहा है ना, ये कॉरिडोर वाइल्ड लाइफ का, दोनों साइड से देखिए मतलब कि नाला सा बना रखा है कि जानवर एकदम से रोड पे ना आए, उससे क्या है ना एक एक्सीडेंट का बचाव हो जाता है कि अगर तुरंत रोड की तरफ भागते हुए आएगा तो कहीं गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ऐसे इलाकों में क्या होता है ना, एक तो ये खतरा है कि गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती है, हाईवे है, लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता, टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं, नैनीताल को सीधे कनेक्ट करता है, तो अगर वाइल्ड एनिमल आता है तो कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और टाइगर भी ऐसे में तुरंत भागते हुए चलता है और गाड़ी की चपेट में आ जाता है। करीब हो गए थे, हमें दिखा था कितनी हो और एकदम बीच रोड में आके उसने, अच्छा हुआ कि सीधे रोड क्रॉस करी, अगर वो रोड में बीच में रुक जाता तो कहीं ना कहीं मान ले बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी उस दिन।
क्रॉसिंग होती है बेसिकली हाथी की, तो वो गलियारा बोला जाता है। तो गलियारा फ्री रखा जाता है क्योंकि हाथी उसी रास्तों से क्रॉस करता है अपने गलियारे से। अगर उसे वहाँ पे बाधा मिलती है तो फिर वो इधर उधर होता है या उसको डिस्टर्ब करते हैं जब, तो तब ज़्यादा उग्र होता है, अदरवाइज़ वो शांति से जस्ट रोड क्रॉस करता है। तो ये पैच काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, हाथी अक्सर यहाँ पे क्रॉस करते हैं, काफ़ी बार तो हमें भी दिखे हैं। कॉरिडोर है और उसके बाद जस्ट ये ब्रिज आएगा और उसके बाद हमारी सिटी आ जाएगी।